पानी जो चलता है वो जहाँ निकास होती है वहाँ पर एक थोड़ा सा गड्ढा बनाया जाता है, छोटा या बड़ा तालाब, जिससे कि पानी नीचे जा करके वहाँ का लेवल को मेंटेन करे। यहाँ तो पानी हम लोग का बहुत नियरेस्ट है और मेरा घर रोहतास जिला है, वहाँ तो लगता है 25-30 फीट पर ही पानी आता है, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम लोग यहाँ पर कुछ जाते हैं, झारखंड में तो लगता है 200-300 फीट जाने के बाद पानी पड़ता है। तो जब 25 साल पहले ये टारगेट बना हुआ था झारखंड में कि पानी को संचय किया जाए, उस समय का प्लानिंग था, अब नजर क्या हो रहा होगा। तो उसी तरह से हम लोग देखते हैं ब्लॉक में जहाँ पर चपा कल है वहाँ पर पानी आ रहा है, नीचे चला जा रहा है, उसका कोई रोकथाम नहीं है। तो कम से कम उस चपा कल के अगल बगल में कुछ ऐसा गड्ढा होना चाहिए जो कि पानी वहीं जाकर नीचे लेवल को मेनटेन करे, नंबर एक। नंबर दो, चंपा कल जितने देहात ब्लॉक में पड़ा हुआ है लगभग आधा से अधिक खराब, उसे क्या क्या हो सकता है हेल्थ में। पहला नंबर का वो चंपा कल खराब है तो वो आदमी जाता है पानी पीने के लिए, सबके घर तो चंपा कल नहीं है, वो जाता है कुआं में, कुआं का लेवल ऑटोमेटिक डाउन है, बर्तन साफ करता है ठीक करता है फिर गंदगी पानी उसी में जाता है जिससे डायरिया फैलता है, पेट की गड़बड़ी होती है, बहुत मास स्केल पर आपको इपिडेमिक में फैल जाता है डायरिया फैल। उस चीज़ को बचाने के लिए हम चाहेंगे कि ब्लॉक लेवल पर जिस लेवल से होता है चपा कल का मरम्मती किया जाए, है ना। लेकिन मरम्मती सरकार के पास भी इतना फंड नहीं रह पाती कि हो सके, तो क्यों नहीं उस एरिया का कुछ कमिटी बना दिया जाए पब्लिक का कि भाई ये तुम चपा कल का देख रेख करो। अरे थोड़ा मोड़ा चीज़ के चलते डैमेज हो जाता है, 10-20-25 रुपए का वाशर मिलता है उसके चलते चापाकल आपका डैमेज हो गया, कहीं पर जंग लग गया वो डैमेज हो गया तो पूरा चापाकल आपको 25-30-50 हज़ार जो लगता है वो खत्म हो गया। तो अगर क्या इसमें पब्लिक का सहयोग हो सकता है, अगर इसमें अगर उस जिस एरिया में एक चापाकल है उसमें अगर घर पीछे 2-2 रुपया का पर मंथ जमा कर दे और वो लोग वहीं मेंटेन करे तो इसमें हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। केरला में ऐसा होता है, वो कमिटी बन जाती है कि भाई इस चपा कल तो सरकार ने लगा दिया तो उसको मेंटेन कर ले, क्योंकि सब जगह संभव नहीं है कि हमारे अफसर जा करके सब देखभाल करते रहे चपा कल, क्योंकि इतना कॉस्ट पड़ता है उसमें। तो उसको हम 2 रुपया पर मंथ अगर 20 लोग घर उसको यूज करता है तो 2 रुपया लगा नहीं सकता है, और जब बीमारी पड़ेगा तो हम लोग को लेगा कि नहीं, 5-10 रुपये लोग देता है हम लोग को डॉक्टर को, हम लोग इलाज करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इससे हेल्थ से रिलेटेड भी बहुत चीज़ हो जा रही है, पानी का संचय भी हो जा रहा है, आपका हेल्थ स्टेटस भी बढ़ जाएगा, ये कम से कम डायरिया से कोई पेशेंट गड़बड़ाएगा नहीं, पेट गड़बड़ तो नहीं होगा। एक ऐसा है झारखंड में हुआ था, हजारीबाग में थे, कुआ जो कटा हुआ था उसको लेवल जो था जनरल लेवल से डाउन समझे, और वहाँ पर बर्तन खेती करके चारों ओर से गाय भैंस बंधा हुआ था, उसका पैखाना उचित नहीं था। जब कंप्लेन हुआ बरही में तो हम लोग फर्स्ट मेडिकल अफसर थे, हम गए देखने के लिए, तब उसका पहले एग्जैक्ट लोकेशन देख कर समझा कि पानी कहाँ जाता है, तो उसी में सब गिर जाता है और हम लोग बर्तन साफ करते हैं और पानी भी उसी से पीता है, इसमें 2 यात्री जब मर गया था। तो हम क्या करें, हम दूसरा दिमाग लगा दिए वहाँ, हम कह रहे इसी के चलते ये सब मरा है, ये जो पानी पिया है एपिडेमिक हो गया, जबरदस्त डायरिया वोमिटिंग हुआ, पेशेंट मर गया, बहुत गड़बड़ चीज़ है। वो लोग आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर दिया कि इसी के चलते जो है हम लोग का आदमी मरा है। तो इस चीज़ पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कुआँ बन गया ये बन गया और उसको मेंटेन नहीं हो रहा है, तो क्या सरकार जाके कुआँ को मेंटेन करेगी, क्या पब्लिक नहीं कर सकता है अपना हेल्थ बचाने के लिए। अभी जगह बहुत कुआँ यूज हो रहा है, हम यही चाहेंगे कि इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। जो हम कमेटी की बात करें, 2 रुपए चीज देने में कोई हर्जा नहीं है, हमारे अफसर कितना जाकर क्या कर लेंगे, हमारे हमको सरकार दे दिए तो हमको मेंटेन करने में क्या लगता है, 2 रुपए हम दे नहीं सकते, 5 रुपए हम पर मंथ दे नहीं सकते, अब उसी से पर बनवाते रहते, देखा ज़्यादा दिक्कत हो तो PDO साहब जो है वो सब अपना सब देख रेख करेंगे, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक।